नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। मैं आज आपको कोरोना से बचने का उपाय के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक एक पॉइंट नोट करने वाला और याद रखने वाला है। अभी तक तो हमने ये चर्चा की थी कि कोरोना से बचा कैसे जाए, मास्क बांधो, घर में रहो, लॉकडाउन करो, सब कुछ आपने करके देख लिया। उसके बाद भी सपोज़ आपको कोरोना हो गया तो हम क्या करेंगे और इसको कैसे कोरोना को ख़त्म करेंगे अपनी बॉडी में, आज का विषय यही है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोरोना किन-किन लोगों को नहीं होगा। एक तो 1 साल से 6 साल तक के बच्चों को नहीं होगा, अगर हुआ भी तो सिम्टम नहीं होंगे। सेकेंड, 6 से 12 साल के बच्चों को होगा, बहुत माइल्ड होगा, बस क्रोसिन दे दो, एल्थ्रोमाइसिन दे दो, 3 दिन में बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको उसको आइसोलेशन में रखना है, पानी वानी अधिक पिलाना है, 99-100 से ज़्यादा बुखार नहीं होगा, बच्चे के कोई भी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, और 12 साल से नीचे के बच्चे ठीक हो जाते हैं। सेकेंड, जिनको पहले दोनों वैक्सीन लगे हैं अगर उनको, तो अभी हो सकता है होगा तो बहुत लाइट होगा और वो कंट्रोल में आ जाएगा। या जिसको पहले एक बार कोरोना हो चुका है उसको 90 दिन तक बहुत कम चांस है कि उसको कोरोना वापस होगा, तो इन सब लोगों को नहीं होगा। जिसकी फिज़िक अच्छी है और जिनको होने का डर है वो है, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट ट्रबल है, या जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, 90, 100, 110, ओबीज वाले को होने के ज़्यादा चांस है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटिक अनकंट्रोल्ड है, बहुत ज़्यादा चांस है और होगा तो बहुत सीवियर होगा, तो इन लोगों को बच के रहना। या जो अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको होने के चांस ज़्यादा है, स्मोकिंग वाले को हुआ तो लंग्स वीक है तो और भी ज़्यादा असर करेगा, तो इन सब लोगों को बच के रहना है। फर्स्ट थिंग, कोरोना क्या है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक सिंपल वायरल फीवर की तरह शुरुआत होगा, क्योंकि ये चाइना से ओरिजिन हुआ है तो इसका बिहेवियर भी चाइनीज़ की टाइप है, बहुत मीठी बात बना के धीरे से आपके शरीर में घुसेगा और 10 दिन में आपकी डेथ भी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, तो बहुत धोखे से मारता है। इसलिए सबसे पहला है, अब जो सेकेंड वेव वाला कोरोना है इसके अंदर क्या होता है कि आपको पता ही लगेगा, बॉडी है क्या, बॉडी है क्या, बदन टूट रहा है, बदन टूट रहा है 2-3 दिन तक, और फिर 30 से 14 दिन बुखार आप नोट करेंगे, लेकिन आपको जब भी पकड़ना है, हमारी कोरोना की लड़ाई यही है कि वो गले में इन्फेक्ट करता है और 3-4 दिन गले में रहता है जैसे ऑर्डनरी बुखार है, गले के बाद 5वें दिन में अगर वो कंट्रोल नहीं आया तो वो नीचे ट्रैक में लंग्स वाले में चला जाएगा, पेट में चला जाएगा, पूरी बॉडी में कहीं भी फैल सकता है, आजकल तो न्यूरोलॉजिकल भी ब्रेन में भी पहुंचा है और कान में भी पहुंचा है, डेफनेस भी रिपोर्टेड है और स्मेल और टेस्ट जाता है, तो स्मेल टेस्ट जाए तो बहुत अच्छा है, वो ठीक होने वाला है, अगर स्मेल टेस्ट जा रहा है तो ये आप उसको शुक्र मनाइए कि आपको माइल्डर फॉर्म है। तो फर्स्ट समय हमारी जो लड़ाई है 5 दिन की, हमें 5 दिन के बाद उसको ख़त्म करना है, 5 दिन के अंदर ही नीचे लंग्स तक नहीं पहुँचने देना। उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ये एक ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करें, सबसे पहले बदन टूटे तो टेम्परेचर नोट करते रहें और पल्स ऑक्सीमीटर से, ये नहीं कि 2-3 दिन तक मैं तो कुछ नहीं है जो बदन टूटा और वो 99 बुखार चल रहा है आपको पता ही नहीं लगा, अगर आपको उसको कैच करना है 98.4 से ऊपर बुखार है तो आपको पक्का बुखार है। कई लोग बहस करते थे 99 तो बुखार ही नहीं होता, बिल्कुल गलत, 98.4 से ऊपर बुखार है और आपका बदन टूट रहा है, कमर में दर्द है, थकान महसूस हो रही है, ये पहला लक्षण है, इसको मिस नहीं करना है, और इसको पता लगते ही आपको अपने आप को आइसोलेट करना है अलग फैमिली मेम्बर से और सिर्फ फ्लास्क में गर्म पानी बनवा के रख लीजिए और हर 4 घंटे में गरारे करें, दबा के गरारे करो गर्म पानी के, और 3 बार आपको ब्लैक टी पीनी है और 4-6 बार आपको गर्म पानी ही पीना है, पीना भी गर्म पानी है और गरारे भी उससे करना है, तो वो 3 दिन आपने कर लिया ना, 3 से 5 दिन में तो वायरस नाक और गले में जब फेरिंग्स में वहीं मर जाएगा और आपका फीवर उतर जाएगा, और आप गरारे करते हैं उसको नाक से बाहर निकालेंगे तो और भी बढ़िया है, 100%, 90% में ये दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे और आपका वायरस मर जाएगा। कोई भी एलोपैथिक दवा नहीं, बस क्रोसिन खानी, विटामिन सी खानी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खानी, विटामिन डी खानी है, बस रेस्ट करना है कंप्लीट, सबसे जरूरी फिजिकल एग्जर्शन नहीं करना, मोबाइल पे बात नहीं करना, बिल्कुल लेटे रहो, गरारे करते रहो, ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है, और 5 साल में आप इसके ऊपर, 5 दिन में इसके ऊपर कवर कर लेंगे। अगर 5 दिन के बाद ये बढ़ गया तो आप ब्लड टेस्ट भी कराओ, मार्कर्स भी कराओ, और 7वें दिन पहुंच गया तो
आप सीटी स्कैन कराइए जरूर, क्योंकि जो मोस्ट सारी कॉम्प्लिकेशन होती है 7 to 14 days सेकेंड वीक में होती है। अगर 7th day आपका क्रॉस कर गया या आपका फीवर डाउन आ ही नहीं रहा है, पहले दिन से 100, 101, 102, 103 बढ़ता जा रहा है और आपको ड्राई कफ हो रही है और आपका सांस फूलने लगा, ये इंडिकेशन है कि आपका केस खराब हो रहा है और आपको फ़ौरन डॉक्टर की सलाह लेके सीटी स्कैन कराना है, सारे ब्लड टेस्ट कराना है, डी डाइमर वगैरह सब, और हो सके अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन 97 मेंटेन कर रहा है, 93 से नीचे जा रहा है आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन और टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये इंडिकेशन है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना है या डॉक्टर की कंसल्ट करके बड़े टेस्ट कराने हैं। तो 7 to 14 days मोर रिस्की पीरियड, उसमें आपको सीटी भी कराना है। 5 दिन में आपने विजय पा ली तो आपको कुछ नहीं करना है। 3 दिन तक अगर आपको बुखार नहीं आया, टोटल 10 दिन हो गए, तो आप कमरे से बाहर आ सकते हैं और आपको दोबारा RT-PCR कराने की ज़रूरत भी नहीं है। और वीकनेस रहती है वो भी आप बस, तो आप 2-2.5 लीटर पानी पीते रहो, गर्म पानी पियो। 5 दिन में अगर कवर नहीं है, 7वां दिन हो गया, तो आप CT स्कैन कराओ, और 9वां 10वां दिन है बुखार नहीं टूट रहा और सांस फूल रहा है, तो फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट हो। और 12 दिन आपके निकल गए घर में ही और 99 बुखार है, तो बस थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होगा, आप खतरे से बाहर हैं। 14 दिन निकल गया तो आप पूरी तरह से ठीक है, पर इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एक तो क्लॉट बन जाता है, ब्रेन में क्लॉट पहुँच जाता है, पैरालिसिस के केस भी रिपोर्टेड हुए हैं, पैर के नसों में क्लॉट बन के लंग्स में पहुँच जाता है, एंड 3rd week में हार्ट अटैक भी रिपोर्टेड है और हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो हार्ट पे और ब्रेन पे इफेक्ट होता है 3rd week में अगर पर कॉम्प्लिकेशन से। तो ये बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, ये हॉस्पिटल में ही ठीक हो सकती हैं, और MD से वगैरह जो मेडिसिन है वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही हो सकती हैं। लोग घरों में स्टीरॉयड लगा रहे हैं, डेक्सोना के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, बहुत गलत है। इंजेक्शन डेक्सोना या स्टीरॉयड का प्रयोग खाली 7वें दिन बाद है, 8वें दिन जब फीवर उतर जाए, क्योंकि वायरस 9वें दिन मर जाता है बॉडी में, और आपने 3rd से 4th दिन स्टीरॉयड शुरू कर दिया हैवी डोज, सब जितने मैंने देखा लोग दे रहे हैं, तो वो वायरस और फ्लेयर करेगा और तेज़ी से, और आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा और आपके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी। तो स्टीरॉयड्स मत खाइए, ज़्यादा दवाइयाँ मत खाइए, डॉक्टर्स के टच में रहिए, और 14 दिन अगर आपका ठीक हो जाता है तो आप उससे सिम्टम फ्री है, और आपकी बाकी घर वालों के एंटीजन टेस्ट करा सकते हो, अगर किसी को भी फीवर है तो उसके पूरे कंप्लीट चेकअप करा सकते हैं, और इस तरफ यही प्रिकॉशंस हैं, इन सब बातों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।